एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो या इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू दिस इजी पीजी सा 2 मिनट मेकअप लुक जो स्पेशली मैंने रक्षाबंधन के लिए क्रिएट किया है। सो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। सो होप सो ये कोरोना वायरस जल्दी चला जाए तो हम अच्छे से कोई भी इवेंट आए या कुछ भी फेस्टिवल आए तो हम अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। बट इस टाइम पे हम अच्छे से इतना सेलिब्रेट नहीं कर सकते, बट रक्षाबंधन है तो हम घर पे सेलिब्रेट कर सकते हैं। हमें यहाँ घूमना फिरना इतना नहीं है, तो ये इजी पीजी सा लुक है जो आप घर पे ही क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप किसी के घर पे जा रहे हैं राखी बांधने तो आप ये क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी फाउंडेशन मैंने यूज नहीं की है क्योंकि समर्स हैं और ये एक मतलब घर पे ही एक लुक क्रिएट करने वाला है, तो मैंने फाउंडेशन सोचा नहीं कि यूज करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी बता दिए मैं कौन से यूज कर रही हूँ, और इवन कुछ प्रोडक्ट्स के मैं लिंक्स भी दे दूंगी जो आप अगर बाय करना चाहते हो तो कर सकते हैं। और ये स्पेशली समर मेकअप लुक है तो यहाँ पे मैंने सनस्क्रीन भी यूज करी है। सो या अगर आपको ये लुक पसंद आता है तो यार लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, उसके साथ बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो या विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले प्राइमर के लिए एलोवेरा पतंजलि का जेल यूज कर रही हूँ। आपको जब भी मेकअप करना है उससे पहले आपको प्राइमर जरूर लगाना, उससे जो आपके ओपन पोर्स होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे, जिससे मेकअप अच्छे से सेट हो जाएगा, स्वेटिंग कम होगी। और आपको इसको सिंपली अपने टी जोन एरिया पे लगाना जहाँ पे आपको स्वेटिंग होती है। इवन आप अपने ओवरऑल फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद इसको हल्के हाथों से आपने अप्लाई करना है, देन आपने इसको डैप डैप करके थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा वेट करना कि ये सूख जाए, उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। सनस्क्रीन के लिए यहाँ मैं गुड वाइब्स की सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, वाइड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन। ये SPF 30 है, UVB एंड PA++ UVA। ये बहुत अच्छी सनस्क्रीन है। आप समर से जैसे तो आपको सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप अगर बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सो यहाँ अप्लाई कर लूँगी यहाँ पर मैं अच्छे से। देन यहाँ पे मैं क्रीम के लिए यहाँ पे एल्प्स गुडनेस की सैंडलवुड फेस क्रीम ले रही हूँ। ये आपको डीपली मॉइस्चराइज करती है, आपको मॉइस्चराइज़र अलग से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और ये एक्ने को भी स्मूथ करती है जो अच्छा है इसमें, सैंडलवुड है तो इस वजह से। तो अगर आप ये भी बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इवन आल मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी उसके लिंक जो भी मेरे से प्रोवाइड होंगे मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर लूँगी इस। अगर आप सिर्फ ये भी यूज़ कर सकते हैं, इवन मैंने एक नेक्स्ट ऑप्शन भी दिया वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद एक ये घर पे मेकअप है, डेली मेकअप में भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी और फाउंडेशन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं। सो नेक्स्ट यहाँ पे मैं लैक्मे की 9 to 5 CC क्रीम ले रही हूँ। मेरा शेड है इसमें 01 बेज। ये ऑल इन वन है, इंस्टेंट स्किन स्टाइलिंग है। इसमें भी SPF 30 है, PA++। और जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करें उसमें मेक श्योर अगर समर के लिए या विंटर के लिए जो भी, तो उसमें SPF आप वही प्रोडक्ट यूज़ करें जिसमें SPF हो। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर लूँगी, और आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे मैंने बताने के लिए अप्लाई किया है। इवन आप एक ही क्रीम यूज़ करें ओके फाइन है, और आप इसको एज अ फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में लेके आप फाउंडेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, एज इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। सो यहाँ पर ये लग गई है। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे कंसीलर ले रही हूँ। कंसीलर के लिए यहाँ पे मैंने NYB का कंसीलर लिया है, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा ही अप्लाई करूँगी। इवन अगर आपको डार्क सर्कल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही अप्लाई किया है क्योंकि मुझे यहाँ पे मतलब एक नेचुरल फिनिश चाहिए थी, अदरवाइज़ आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मेरा कंसीलर का शेड है नेचुरल सनी साइड अप। तो ये आप कंसीलर बहुत अच्छा कंसीलर है, क्रीम फॉर्म में है, तो इसको मैं अपनी फिंगर के हेल्प से ही कर लूँगी क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही अप्लाई किया है। तो मुझे यहाँ पे ब्रश से स्मज इसको अच्छे से स्प्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्रीम प्रोडक्ट लिया है, कंसीलर है, तो बस मैं उसी को ही सेट करूँगी ताकि वो उसमें फाइन लाइन्स ना पड़े कोई भी। तो इसलिए मैं अप्लाई कर लूँगी थोड़ा सा पाउडर। यहाँ पर मैंने पिंकिश में लिया है पाउडर थोड़ा। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं बिल्कुल कह लो आप सॉफ्ट पिंक कलर ले रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा ना मतलब जैसे आप कह रहे हो शीन है थोड़ी सी, तो ये मैं अपनी आईज़ में फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी। इवन कोई डार्क मेकअप नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट ऐसे मतलब एक आईज़ पे थोड़ा सा लुक, अगर आप लाइनर लगाते हैं कुछ भी वो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ,
कि जो भी मैंने ड्रेस वेयर की है उसके साथ में यहाँ पे उस शेड का ही कोई मैं कलर लेके, जैसे मैंने यहाँ पे पर्पल कलर लिया है तो वो मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे वेयर कर लूँगी। इवन मैं अपने वॉटर लाइन पे वेयर नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे वेयर कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया। देन मैं यहाँ पे ब्लैक आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ अपनी वॉटर लाइन पे, जिनको जिनका जो भी होता है क्या बोलते हैं काजल होता है वो मतलब स्प्रेड हो जाता है, निकल जाता है आँखों से, तो उनको क्या करना चाहिए, अपने आई शेडो भी आप लेके वाटर लाइन में अप्लाई कर सकते हो, उससे ये स्मज नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आई लाइनर के लिए ब्लू हेवन का लाइनर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो लाइनर ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सो मैं यहाँ पे सिर्फ ना अपनी लैश लाइन पे, जो अपर लैश लाइन है बस उस पर कर रही हूँ, ताकि जब मैं मस्कारा लगाऊंगी तो मेरी थोड़ी लैशेस पे थोड़ा फोकस जाएगा, मीन्स डार्क लगेंगी, तो आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ अपने लोअर लैश लाइन पे ही जो ड्रॉ किया रुकी है, मैं ऊपर नहीं कर रही। तो मस्कारा के लिए यहाँ पे मैं कलर का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, उससे मैं अपनी लैशेस कर्ल कर लूँगी जैसे भी होगी, तो या मैं अपर लैशेस पे एंड लोअर लैशेस दोनों कर लूँगी। और आप अदरवाइज़ अगर आपके पास मस्कारा नहीं है तो आप क्या स्टेप कर सकते हैं, आपके पास जो लाइनर है ना आप उसको ही ब्रश को अपने लैशेस पे लगा लीजिए, वो डार्क डार्क हो जाएंगी, आप ये स्टेप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे लोअर लैश लाइन पे भी कर लिया दोनों आईज़ पे। ओके, देन मैं यहाँ पे ऑप्शन रख रही हूँ टू लिपस्टिक का। यहाँ पे ये न्यूड कलर है, ये मेबेलिन की है लिपस्टिक, और इसका शेड है कलर शेड है 99। तो ये थोड़ा डार्क है, आप इससे थोड़ा लाइट ले सकते हैं। मैं इसको थोड़ा न्यूड मतलब लाइट लाइट ही अप्लाई करती हूँ तो ये लाइट हो जाता है। तो आप इस लुक में आप टू लुक्स अपेयर कर सकते हैं, ये न्यूड शेड आ जाता है। अदरवाइज आप जो भी लिपस्टिक यूज़ करना चाहते हैं, जो आपकी मनपसंद जो भी है, रेड पिंक जो भी वेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं पिंक कलर की लिया, इसका नाम है 23 लिपस्टिक, इसका शेड है 23। तो ये लिपस्टिक मैं वेयर कर रही हूँ, ये आप कह लो एक वाइन रेड कलर में, लाइक डार्क पिंक कलर जैसा भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे ब्लश के लिए मैं यहाँ पे, अगर आप ब्लश अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास आई शेडो पैलेट है जो भी, आप उसमें से कोई भी पैलेट पिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास लिपस्टिक है तो आप लिपस्टिक को ही एज अ ब्लश भी यूज़ कर सकते हैं, एज आई शेडो अप्लाई कर सकते हैं, आपको अलग से पैलेट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, ये हाईलाइटर नहीं है, यहाँ पे मैं सिर्फ जो वाइट शेड होता है उसको मैं अपनी इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे हेयर स्टाइल की बनाया फ्लिक्स एंड जस्ट बस बाल खुले। तो आप अपने हिसाब से जैसा आपको कम्फर्टेबल हो आप वैसा हेयर स्टाइल वेयर कर सकते हैं। तो या दिस इज़ द फाइनल फिनिश लुक, एंड यहाँ पे ट्रेडिशनल आप कह सकते हो है। तो यहाँ पे मैंने छोटे से इयररिंग्स वेयर किए हैं वाइटिश लाइक पर्ल में, तो ये फाइनल फिनिश लुक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा स्टाइल मार रही हूँ। तो या गाइज, अगर आपको ये लुक पसंद आती है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना, लाइक से मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे लगी, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, प्लीज़ सपोर्टिंग गाइस। और सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।